Okay, student, now next we are going to see practice set number 15.5. Practice set number 15.5. See student, last video lecture हमने देखा था how to calculate the area of a quadrilateral irregular shape. That means इसका particular shape नहीं था. तो हमें यहाँ भी वैसे ही करना है student. In this video lecture, that is practice set 15.5, यहाँ पे हम देखेंगे area of a irregular polygon. Polygon means yes, a figure which have n number of side. मतलब जिसके side क्या होंगे? It may be 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So it is called polygon. Many side. For that, four के लिए हमको मालूम है. 3 रहा तो yes, it is triangle. 4 quadrilateral. 5 it is called pentagon, hexagon, octagon. तो लेकिन 4 की ज्यादा रहे तो हम उसको बोलेंगे student polygon. तो हियर सी, आपने कभी देखा होगा अब जब लैंड लेते हैं, प्लॉट लेते हैं या फील्ड किसी का जब होता है, फार्मर का, तो इट इज नॉट ए पर्टिकुलर शेप, वो एक पर्टिकुलर शेप का नहीं होता है. तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे कि कितना एरिया है वो? तो सी स्टूडेंट, दिस गिवन प्लॉट और फील्ड इज डिवाइडेड इन टू द शेप लाइक ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल. उस फील्ड को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे इन रेक्टेंगल, इन ए ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल. स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, वी नो द क्वाड्रिलेटरल, विच क्वाड्रिलेटरल, यस हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम, हुज ओनली वन साइड इज पैरेलल, वन ऑफ द साइड इट इज ट्रेपेजियम, एंड अगेन ऑल साइड इक्वल इट इज कॉल्ड रोम्बस. सो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन area, given plot or given field, we divide the given field and plot into yes the figure like triangles and quadrilaterals. And we know the formula of finding the area of triangle and quadrilaterals. One by one find करेंगे और सबको add करेंगे. Final last में क्या करेंगे? Add करेंगे. Then we will get the yes area of given plot or given field. Is that clear student? Very simple है. आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं सीखना है, जो हमने already सीखा है till 15.4 तक वही formula हमको use करना है. Okay student? So here हमको क्या है? Yes, the area of irregular polygon. Irregular shape का polygon. Particular shape नहीं है. Okay. Now आपको समझ में आएगा, आप exercise solve करेंगे. तो move to the first question. What is the first question? Find the areas of given plots. Plots given है. All measures are in meter. Meter में दिया है. Measurement is in a meter. See student, यहाँ पे two diagrams are given. First take the first one. Okay? Given student. So, we have to find area of polygon, not quadrilateral, polygon. P, Q, R, S, T. हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पॉलीगॉन P, Q, R, S, T. ओके स्टूडेंट, नाउ सी स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको डायग्राम में क्या क्या फिगर्स मिलते हैं, जिसको जो वेल नोन है, जिसको हम जानते हैं, जिसका हमें एरिया का फॉर्मूला पता है. सी स्टूडेंट, दिस इज वन ट्राइंगल एंड सी सपोज सबसे बिगर तो पी एस टी ट्राइंगल पी एस टी इन दैट यस पी एफ दैट इज बेस इज गिवन एंड हाइट बी टी इज ऑल्सो गिवन. तो नीचे का तो पोर्शन का हो गया बाय टेकिंग द ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी है ना. वट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? यस वन हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट इन टू बेस. बेस इज दिस होल पी एस एंड टी बी टी इज हाइट. नाउ अब ऊपर का पार्ट. नाउ स्टूडेंट सी इन यहां पे क्या है, दिस ट्राइंगल एंड दिस वन इज मिडल में एक क्वाड्रिलेटरल है. मिडल में एक क्वाड्रिलेटरल है. पहले हम फाइंड करेंगे ये क्वाड्रिलेटरल विच टाइप का है, वेदर इट इज ए रेक्टेंगल, वेदर इट इज ए स्क्वेयर, वेदर इट इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, आउट ऑफ फाइव विच. ओके सी स्टूडेंट, QR एंड Q
QA and RC, both are not equal. That means it is not a rectangle or not square. Square भी नहीं है, rectangle भी नहीं. Now, what is remaining? Not rhombus. Rhombus भी नहीं होगा, क्योंकि rhombus में all four sides are equal. Now, अब what is remaining? Whether it is a parallelogram or trapezium. हमें check करना है. QACR, whether it is a trapezium or parallelogram. Parallelogram, both the side, both the opposite sides are parallel. And in trapezium, only one pair is parallel. See, student. QA and RC, these are parallel, na? हम इसको कैसे भी ऊपर लेके जाएंगे तो parallel होगा. But QR and AC, these are not parallel. ये ऐसे, इनका distance यहाँ पे कम होते जा रहा है. 50 था, now it less, 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 ऐसे करते वो joint होके. So, these are QR and AC. See, student, QR, AC, not parallel. Only, yes, QA, RC, parallel. Yes, so parallel means, only one side parallel means, yes, student, very good. So, QACR or QRCA, कैसे भी आप नेम कर सकते, is a trapezium, is a trapezium. So here in the figure, one big triangle, two small triangles and one trapezium. In sub ka area find karenge, addition karenge, then we will get the area of polygon PQRST. Is that clear, student? So yahan pe humko kitne area find karne hai? Total three triangles and one trapezium. See, this is a राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट, तो बोथ द राइट साइड हमको पता है, इजीली फाइंड होगा. अगेन दिस टू जो राइट एंगल मेक करते हैं नोन, सो यूजिंग राइट एंगल फॉर्मूला हियर, राइट एंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यस, वन हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, तो यहाँ पे वो यूज होगा. और इन दिस कौन सा यूज होगा, यस, हियर वन हाफ हाइट इंटू बेस. एंड फॉर एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, वन हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस. विच आर पैरेलल लाइंस, यस, क्यू ए एंड आर सी, बोथ आर गिवन उनका. एंड हाइट, नाउ स्टूडेंट टेल मी द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम क्यू ए सी आर, क्यू ए सी आर की हाइट क्या होगी. मैंने आपको हमेशा बताया स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में भी, जब भी हम हाइट देखेंगे, हाइट इज ऑलवेज बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच वाला पार्ट होता है हाइट. सो स्टूडेंट क्यू ए आर सी, दीज आर पैरेलल, दैट मीन्स ए सी इज हाइट, ए सी इज हाइट, ए सी इज हाइट. बिकॉज सी, अगर मैं इसको सेपरेट ड्रॉ करूंगी स्टूडेंट, ऐसे है ना वो क्वाड्रिलेटरल इन दिस फॉर्म है. ओके, हियर क्यू ए सी आर, दीज आर पैरेलल लाइंस, 50, 25. एंड हियर ए सी, इन दैट टू पार्ट है, फर्स्ट इज 30 है एंड फर्स्ट इज में टोटल ए सी कितना है, 60 है. सो दिस इज हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज हाइट, बिकॉज दीज आर पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के जो मेन बीच में जो होता है डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज साइड. सो ए सी इज इट्स हाइट, AC is height of QACR. Okay? Now students, solve one by one. दिखने को आपको लगता है कि difficult है, कैसे diagram है, कैसे figure है, कैसे find करेंगे? Simple है, आपको idea clear हो गया, हमें क्या find करना है? Yes, three triangles का area और area of a trapezium. So one by one solve करेंगे. Okay student? Now start with first. See, area of a polygon, area of a पॉलीगॉन पी क्यू आर एस टी इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस बिग, व्हाट, पी टी एस. सी स्टूडेंट, यहाँ पे आप नेमिंग कैसे भी करेंगे, पी टी एस और पी एस टी, यू कैन कैसे भी आप कर सकते हैं. नाउ प्लस व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस स्मॉल, सी ए को सेंटर में लेंगे, ए इज राइट एंगल, पी ए क्यू, पी ए क्यू प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस RCS प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QACR, इन सब का एडिशन करेंगे हमें मिलेगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन PQRST. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ सॉल्व वन बाय वन. फर्स्ट इन इसी स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल डायरेक्ट यू कैन राइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट PAQ. या फर्स्ट बिगर वन फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल PS PTS व्हाट इज 1/2 इंटू व्हाट बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो हियर 1/2 इंटू बेस मीन्स यस दिस होल बेस लेंथ ऑफ PS मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ हाइट DT. 1/2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज PS स्टूडेंट? PS कैसे फाइंड करेंगे? सी स्टूडेंट यहां पे हम लिख लेंगे इसको लेंथ ऑफ वेयर सी यहां पे लेंथ ऑफ PS कैसे होगा स्टूडेंट? लेंथ ऑफ PA प्लस लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CS ऑल PA AB BC CS मीन्स 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 इट इज 30 प्लस 30 60 60 प्लस 30 90 90 प्लस 60 इट इज 150 स्टूडेंट. सो हियर PC इज हाउ मच 150 मल्टीप्लाई बाय BT यस इट इज 30. सो स्टूडेंट 5 1 2 1 2 2 1 2 1 रिमेनिंग 2 5 10 सो इट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 15. सी स्टूडेंट 0 एज इट इज नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 15 अभी मैंने बताया था 15 का स्क्वायर नंबर जिसका 5 8 रहता है यस 5 का स्क्वायर 25 1 के आफ्टर क्या आता है 2 तो 1 2 2. कैसे फाइंड करते हैं 15 का स्क्वायर? फर्स्ट 5 का स्क्वायर 25 1 के बाद नंबर क्या आता है काउंटिंग में 2 तो 1 2 2 सो इट इज 225 सी ऑल मीटर है तो ये स्क्वायर मीटर होगा. दिस इज फर्स्ट इज दैट क्लियर सिंपल हो गया. नाउ मूव टू सेकेंड एरिया ऑफ यहां पे हमने जो लिखा है राइट एंगल सी स्टूडेंट दिस इज वन कैलकुलेशन पार्ट या पहले कर दें दिस वन. ओके ये हमें फाइंड करना है सी दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमें वन बाय वन एरिया निकालना है. हमने फर्स्ट ट्राइंगल का निकाल दिया. नाउ मूव टू सेकेंड व्हाट इज सेकेंड? यस PAQ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल PAQ व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट? यस 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल. वेरी गुड फॉर्मिंग राइट एंगल. सो हियर 1/2 मल्टीप्लाई बाय PAQ में स्टूडेंट PAQ में विच आर टू साइड मेकिंग राइट एंगल? यस PA एंड QA लेंथ ऑफ PA मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ QA. सो हियर 1/2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज PA स्टूडेंट? 30 QA 50 इसे एक को डिवाइड करो 2 1 2 2 1 2 1 रिमेनिंग 2 5 10 सो इट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 50 0 एज इट इज 5 5 25 कैरी 2 5 1 5 6 7
square meter. This is second. Very simple, student. One by one apply. Now, take the third one. Okay, student. Now, tell me, which is third one? Which triangle? Yes. Triangle RCS. Area of, you can write right angle triangle RCS. Again, what? 1/2 multiply by product of sides forming right angle. Again, same. So, here 1/2 multiply by this RCS. What are the two making right angle? RCCS. So, length of RC multiply by length of CS. Now, student, 1/2 multiply by what is RC? RC, it is 25 and CS 60. So, student, 2 1s are 2 3s are 0. So, it is 25 multiply by 30. Write 0 as it is. 25 3s are 750. Same. Square meter. See student, yaha bhi 750 aa gaya, yaha bhi 70. Dono triangle ka. Okay. 750. Now. Next, yes, हमें क्या find करना है student? Area of quadrilateral, that is trapezium. See student, what? Quadrilateral QARC, QACR is a trapezium, is a trapezium. So student, यहाँ पे हमें AC लगेगा. So length of AC कैसा आएगा? AC is what? Length of AC, AB, BC, AB plus BC. That means 30 plus 30, it is equal to what? 60. Length of AC is 60. Now हमें fourth find करना है student. Area of quadrilateral QACR is equals to what? क्या है trapezium का? Yes, 1/2 multiply by sum of length of parallel sides multiply by height, multiply by height. So here area of a quadrilateral QACR is equals to 1/2 multiply by what are parallel side? QARC, length of QA plus length of RC and whole multiply by height. मैंने क्या बताया student? Height is, yes, it is AC, length of AC. Now, which is equal to 1/2 multiply by what is QA? 50. RC? 25. So, 50 plus 25 multiply by AC is? How much? AC is 60. So, it is 1/2 multiply by in dono ka addition? 75 into 60. 2 1s are, 2 3s are 0. So, 75 multiply by 30. 0 as it is, 3 say. 3 5s are 15. Carry 1. 3 7s are 21. Or 1, 22. Square meter. So, student. यहाँ पे ऊपर का जो quadrilateral था. Yes, student. यहाँ पे see कैसे आ गया. इस triangle और इस quadrilateral, इन दोनों का एरिया सेम आ गया 2250 2250, एंड दिस टू स्मॉल ट्राइंगल उनका एरिया सेम आ गया, दैट इज 750 750. तो होल कैसा होगा, सबको ऐड करेंगे, यस 2250
plus 750 plus 750 plus 2250, its total gives you, yes, area of whole quadrilateral or whole polygon PQRST. Is that clear, student? See, though it is lengthy, but very, very simple. आपको सिर्फ mind में रखना है, आपको क्या find करना है? आपको total figure का area find करना है. See, student? So, last part is remaining. See, student, this is area of a first triangle, second triangle, third triangle, and last it is a what? Area of a quadrilateral, that is trapezium. Uska area. So, total, kaise find karenge, student? See, I will rub this. Okay, student. This diagram. It is given in the question. So, final answer kaise aayega, student? Yes, jaise maine ye. Isi mein aapko value put karna hai. So, area of a polygon PQRST is equals to what? All this. तो फर्स्ट वन उसका कितना आता है 2250 प्लस नेक्स्ट 750 प्लस 750 एंड लास्ट प्लस 2250 एड ऑल कैसे भी ऐड कर सकते हैं आप 2250 टू टाइम्स है स्टूडेंट देन 750 टू टाइम्स एड ऑल दिस 0000 5 5 10 5 5 10 10 10 20 carry 2 7 7 14 15 16 17 18 19 20 carry 2 2 2 2 it is 6 that means area of a total figure is 6000 square meter 6000 square meter Is that clear all of you student? See, मैंने आपको पहले ही बताया दो it is lengthy but very simple. आपको सिर्फ फिगर को ऑब्जर्व करना है उसमें आपको काउंट आउट करना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वहां पे क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है वेदर इट इज अ ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम और रोम्बस वेरी सिंपल ना और देर आर थ्री ट्राइंगल्स आउट ऑफ विच टू आर राइट एंगल एंड वन इज ए नॉर्मल ट्राइंगल सो इन ए नॉर्मल ट्राइंगल एरिया वन हाफ यस बेस इंटू हाइट एंड इन ए राइट एंगल यस वन हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल एंड लास्ट द क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम इट्स एरिया इज वन हाफ इंटू लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट यस Is that clear, student? सबको आप वन यहाँ टोटल दे आर फोर तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबको सेपरेट फाइंड करेंगे सबका एडिशन करेंगे इट गिव्स यू द एरिया ऑफ पॉलीगॉन पी क्यू आर एस टी इज दैट क्लियर ऑफ यू ओके क्लियर हो गया ना स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है इसमें स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी अगेन गो बैक टू द वीडियो रिवाइंड इट एंड वॉच वन बाय वन स्टेप केयरफुली ओके नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू मीन्स फर्स्ट डायग्राम हो गई नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड डायग्राम ओके स्टूडेंट इन द सेकेंड डायग्राम सी अगेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इसका हमें फाइंड करना है नाउ स्टूडेंट टेल मी हियर विच फिगर मैं इस फिगर को ड्रॉ किया है टोटल फिगर इज डिवाइडेड इंटू व्हाट यस इट इज डिवाइडेड इंटू दिस फर्स्ट ट्राइंगल Second triangle and this is the third triangle. There are three triangles. Which are they? Yes, उन सब का हमको addition करेंगे तो हमको मिलेगा area of a given figure. See student, area of quadrilateral or polygon, not quadrilateral, area of polygon A, B, C, D, E is equal to what? First area of triangle BAE
plus area of triangle, this one, BEC, plus area of triangle CED, CED. If we add all three areas of triangle, then we will get the area of total figure, total polygon, that is A, B, C, D, E. तो हम वन बाय वन फाइंड करेंगे एरिया. ट्राइंगल ही है तो ट्राइंगल के लिए यस स्टूडेंट वी हैव थ्री फॉर्मूलाज, वन फॉर राइट एंगल एंड वन फॉर इफ हाइट एंड बेस इज गिवन, एंड इफ हाइट इज नॉट गिवन देन वी कैलकुलेट यस बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. याद रहने के भूल गए, यस हेरॉन्स फॉर्मूला. सो स्टूडेंट सी, दिस इज द राइट एंगल, नो डाउट BAE is a right angle triangle. तो यहाँ का एरिया कैसा आएगा, वन हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल. बट स्टूडेंट राइट एंगल तो AB और AE बना रहा है, तो बट AE इज नॉट गिवन. जो राइट एंगल फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं दैट इज BA और EA, बट EA इज नॉट गिवन, तो कैसे फाइंड करेंगे. बट यस बी इज गिवन. सो सी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर नोन, यस वी कैन फाइंड द थर्ड वन बाय यूजिंग वेरी गुड स्टूडेंट, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. तो हम पहले पैथागोरस थ्योरम से ये फाइंड करेंगे. तो ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हम वो एरिया का फॉर्मूला लेंगे. नाउ सेकेंड वन इज, इट इज नीदर राइट एंगल और नॉर हाइट इज गिवन. ना तो राइट एंगल है और हाइट भी नहीं है इस ट्राइंगल में, सेंटर वाले ट्राइंगल में. सो हियर वी यूज यस हेरॉन्स फॉर्मूला बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, बीई बी सी सीई, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन. तो हम एस फाइंड करेंगे, फिर फॉर्मूले में लिखकर वो फाइंड करेंगे. नाउ नेक्स्ट, यस दिस स्मॉल ट्राइंगल, यस हियर बेस एंड हाइट बोथ आर गिवन. तो वहां पे हाइट और बेस का फॉर्मूला लेंगे. मीन्स हियर स्टूडेंट थ्री ट्राइंगल, थ्री डिफरेंट ट्राइंगल है. फर्स्ट वन इज राइट एंगल, सेकेंड वन इज ओनली थ्री साइड्स आर गिवन, एंड इन थर्ड ट्राइंगल हाइट एंड बेस आर गिवन. इज दैट क्लियर. यहाँ पे आपको जो हमने तीनों फॉर्मूले, जो थ्री फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए डिफरेंट ट्राइंगल्स, यस वी हैव टू यूज ऑल थ्री ऑफ देम. सब थ्री हमको यूज करना है, बहुत सिंपल है. सिर्फ थोड़ा सा लेंदी होगा बट वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यस AE, because all are known except AE. AE पता नहीं है और AE का हमको requirement है area of triangle के लिए. तो हम first AE find करेंगे. तो how, see students कैसे find करेंगे, in right angle triangle, right angle है ना BAE, AE is 90, BAE, what, see right के opposite hypotenuse means length of BE square is equal to length of BA square plus length of EA square by, yes right, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem. Now put all value, BE is 30, तो 30 स्क्वायर, बी ए इज 24 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ई ए स्क्वायर. नाउ ट्रांसफर 24 दैट साइड, तो 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ई ए स्क्वायर. नाउ 30 स्क्वायर वेरी सिंपल, 10 के 20 हो जाएंगे एंड 3 स्क्वायर इज 9, 900. 24, सी स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, इट इज 576. आपको नहीं आता है देन मल्टीप्लाई 24 विथ 24. सो 900 माइनस 576, 8, 10, 9, 10. 10 माइनस 6, 4. 9 माइनस 7, 2. 8 माइनस 5, 3. सो इट इज 324, which is equal to length of EA square. So student, what is length of EA? How much? Kiska square hai ye? Yes, it is a square of 18. Taking square root.
मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, यस 20 तक तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए. सो 324 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, उसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट 18. ओके तो ये स्टूडेंट ये भी हमें फाइंड हो गया 18. नाउ टेक थ्री ट्राइंगल्स वन बाय वन. सो टेक द फर्स्ट ट्राइंगल जो आपने हमें फाइंड किया, यस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल BAE सॉरी हाँ. सो क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल. सो इट आर व्हाट विच BA एंड AE, लेंथ ऑफ BA एंड लेंथ ऑफ EA. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज BA, इट इज गिवन 24 एंड EA वी फाइंड, यस EA इज 18. टू वन जा दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 18, वेरी सिंपल. 18 टू जा 36, 18 वन जा 18, 19 20 21. सो इट इज 216 स्क्वायर मीटर. फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड. नाउ मूव टू सेकेंड ट्राइंगल. सी पहले हम इसका निकालेंगे, सिंपल है ना, यस हाइट इनटू बेस. एरिया ऑफ ट्राइंगल सी हम यहां पर क्या लिखा है, सीईडी व्हाट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. वेरी गुड स्टूडेंट. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. 1/2 इंटू व्हाट इज बेस, बेस इज दिस, यस सीई और ईसी, मल्टीप्लाई बाय हाइट, इट इज डीएफ. 1/2 मल्टीप्लाई बाय सीई इज 28 एंड इट इज 16. 28 मल्टीप्लाई बाय 8, हाउ मच, 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16 22, दैट मीन्स 224 स्क्वायर मीटर. दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड. नाउ थर्ड वन इज रिमेनिंग एंड हियर वी हैव टू यूज व्हाट, वेरी गुड स्टूडेंट, हेरॉन्स फॉर्मूला बिकॉज हाइट इज नॉट गिवन एंड द ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल, ओनली थ्री साइड्स आर गिवन. सो सी स्टूडेंट थर्ड वन विच ट्राइंगल, यस मिडल ट्राइंगल इन ए ट्राइंगल व्हाट इज द नेम, बीईसी और बीसीए, आपने यहां पे क्या लिखा है, बीईसी. व्हाट इज ए, यू टेक एनी साइड 26, बी 30 एंड सी 28. सी स्टूडेंट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, यू कैन टेक एनी ए बी सी, इट इज 28. नाउ ए बी सी गिवन, फाइंड एस, व्हाट इज एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वेरी गुड. 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2, सी 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 7, 8, 84 अपॉन 2, दैट मीन्स हाउ मच, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा, इट इज 42. सो एस इज व्हाट स्टूडेंट, 42. एस कितना आ गया आपका, यस 42. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट, इट इज मीटर नो, साइड सब मीटर में. नाउ हेरॉन्स फॉर्मूला व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी व्हाट, भूल गए हेरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस
C. So is equal to, put all the value. What is S? 42. In bracket, 42 minus A is 26. Again, 42 minus B is 30. And 42 minus C is 28. So it's equal to, kya aega students? 42 multiply by, inka answer, 42 minus 26. 12, 3, 6, 1, 16. It is 16. Multiply by 42, 30, 2, 1. It is 12. Again, 42, 28. 12, 3, 14. It is 14. Now, student, each ko divide karenge. It is 14 threes are, because 14 is already there, student. So 14 threes are, 16 4 fours are, 12 4. See, student, see here 42, 26, ये कितना हो गया 16. Here 12, it is 14. Now 42 कैसा होगा? Yes, 14 multiply by 3. Again 14 is there. So here 4. Yes, 16 कैसा होगा? 4 fours are. 12. How will write 12 as 4 threes are and 14 as it is. See student, here 14 2 times, 3 2 times, this 4 2 times. So again 1 4 is remaining, but 4 is a square. 4 can be written as 2 2's are 4. So it is, so total kya hoga student? How will we write? See student, total 2 14, 14 square. 2 3, 3 square. 2 4, 4 square. And again only 1 4 as 2 raised to 2. So square root 14, 3, 4, 2. Sabka multiply karenge. 14 3s are 42. 4 2s are 8. 8 2s are 16. 8 4s are 20, 32. Plus 1, 33. It is 336 square meter. 336 square meter. Now, final. Yes, sabka addition karenge. Sabka addition. What? See. Put all this value. So, here, this one, main yahan pe likhti hu. Area of polygon A, B, C, D, E. What? First is, kitna gaya first ka answer? 216 plus second one is 224 plus 336. Add all these students. Sabko one by one add karenge. It is 776 square meter. Is that clear all of you student? See, very simple. Though it is look like very lengthy. Lengthy hai, lekin humko sirf teen triangle ka yahan pe area ka formula lena hai. One by one. First triangle, right angle hai. To usme se hum right angle triangle, because first is right angle is not known, one of the side, by using Pythagoras theorem. Then its area. Then second, very simple triangle, height into base, one half height into base. Now third one is, yes, it is a, all three sides are given. So by using Heron's formula, first find A, B, C, that is given, S, then put in the formula. 2, 2 ka pair banayenge student. 14, 2 times, 3, 2 times, 4, 2 times. Only 1, 4 is remaining. But 1, 4 is, yes, 2 raised to 2. Taking square root, this. And all, add all these, we get this. Simple addition hai. Write one below the other. 4 plus, 6 plus 4, 10. 10 plus 6, 6. Carry 1. 3 plus 2, 5, 5, 1 and 7. 3, 2, 5, 6, 7. Is that clear, student? Okay. Still you find any difficulty? Yes. Go back to video, rewind it and again watch.
each step carefully. Okay, now we will move to next, that is area of a circle. Area of a circle. Is that clear, student? Only two sums in the practice set 15.5 and two are very important and easy. Look like very difficult, but they are very easy to solve. Just go back to video one more time, watch it carefully, all step, you will find it easy. Okay, student? Aapko easy lagega. Now move to area of a